हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल इलेक्ट्रिकल अंकित। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा मीटर में जो है यूनिट कैसे देखें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बहुत लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूनिट कौन सा है। और मीटर में हमारे बहुत जो है अलग अलग तरह का जो है यहाँ पे नंबर दिखाता है, सेम तरीका से जो है सेम तरह से बहुत सारा जो है नंबर दिखाता है। और ऐसे में बहुत लोग होते हैं जो कि कन्फ्यूज हो जाते हैं और पता नहीं कर पाते हैं कि कौन सा जो है मीटर का यूनिट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे आप जो है बहुत ही आसानी से अपने मीटर में देख सकते हैं कि आपका जो यूनिट है कौन सा है, कितना आपका यूनिट है। दोस्तों, आपको पता ही होगा, अगर आपके घर में बिजली लगा है तो आपके घर में मीटर भी लगा होगा। और आप जो है जितना बिजली यूज़ करते हैं, आपके मीटर में जितना दिखाता है उतना ही आपको जो है यूनिट जितना दिखाता है आपके मीटर में, उतना जो है आपको बैलेंस जो है पे करना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे में अगर हमारा मीटर कभी ख़राब हो जाता है और हमें पता नहीं है कि यूनिट कैसे देखना है, तो हमारा जो यूनिट होगा बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और ऐसे में हमें जो है बहुत ही ज़्यादा घाटा लग जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊँगा कौन सा जो है यूनिट है, कैसे देखा जाता है यूनिट, और आपका यूनिट कितना है, कैसे आप देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों, मीटर में बहुत जो है सेम तरीका से दिखाता है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सेम तरीके से दिखा रहा है, और लेकिन यह जो है यूनिट नहीं है। इसके बाद जो आएगा मेरा वह यूनिट होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या यहाँ पे डिफरेंस होता है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने जो पहले आया था इसी तरह से लिखा था, लेकिन यहाँ पे 53 लिखा था, KWH भी लिखा था, और ऊपर यहाँ पे बिल लिखा है, उसमें बिल नहीं लिखा था। चलिए यहाँ पे दोबारा से मेरे सामने आएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो को पूछ। तो दोस्तों, हमारे घर में जो मीटर होता है उसमें जो है अलग अलग तरीके से बहुत सारा जो नंबर दिखाता है, और ऐसे में हम लोग नहीं पता कर पाते हैं कि हमारा जो है कितना यूनिट चला है। तो दोस्तों, आपके जो मीटर होता है उसमें टाइम दिखाता है, डेट दिखाता है, और भी बहुत सारा जो है नंबर दिखाता है। तो कैसे आप पहचानेंगे कि यूनिट कौन सा है? तो सिंपली दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको मीटर में जो यूनिट दिखाता है तो ऊपर यहाँ पर लिखा रहेगा बिल, और यहाँ पर लिखा रहता है नीचे KWH। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं टाइम दिखा रहा है, और यहाँ पे टाइम दिखाने के बाद डेट दिखाएगा, उसके बाद दो चार और जो है अंक आएंगे आपके सामने, उसके बाद आपका जो मीटर का यूनिट होता है आता है। तो जो यूनिट आता है दोस्तों, ऊपर यहाँ पे लिखा रहता है बिल, और यहाँ पे KWH, यहाँ पे जो रीडिंग का ऑप्शन जो अक्षर होता है, मान के चलिए यहाँ पे 8 अक्षर होता है या 6 अक्षर होता है, उस यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरे सामने आया, लेकिन यहाँ पे ऊपर बिल नहीं लिखा है, तो यह जो है यूनिट नहीं है। इसके बाद जो आएगा मेरा यूनिट है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे लिखा है बिल, और यहाँ पे मेरा जो है 41 यूनिट KWH लिखा है, यही जो है असली है, यही मेरा यूनिट है। तो दोस्तों, आप जब भी बिजली के मीटर में आप जब भी यूनिट देखें तो आप ऊपर यहाँ पे देख लें बिल, और नीचे आप देख लें KWH, उसके बाद वही आपका जो है यूनिट होगा। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप देख पाएंगे। चलिए मैं दोबारा से एक बार और आपको दिखा देता हूँ, वीडियो को यहाँ पे थोड़ा सा मैं पॉज कर देता हूँ। तो दोस्तों, जब भी आप अपने मीटर में जो है देखें कि आपका यूनिट कितना हुआ है, तो सिंपली आपको क्या करना, ऊपर आपको देख लेना लिखा है बिल कि नहीं, छोटे से अक्षर में आपको बिल लिखा जो दिखाई देगा, उसके बाद KWH, वही आपका जो ओरिजिनल जो है यूनिट है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने 53 वाला आया, लेकिन यहाँ पे ऊपर बिल नहीं लिखा है, तो यह हमारा जो है असली यूनिट नहीं है। इसके बाद जो आएगा और ऊपर लिखा रहेगा बिल, यहाँ पे देख सकते हैं आगे है बिल लिखा हुआ है, और 41 KWH लिखा हुआ है, तो यही जो है असली है। तो आप सिंपली आप देख लें, जब आप यूनिट देखने जाएँ अपने मीटर में तो ऊपर आप बिल ज़रूर देख लें, वही आपका रियल है। तो दोस्तों, इस ट्रिक से आप बहुत ही आसानी से अपने मीटर में जो है रीडिंग देख सकते हैं आपका जो है कितना यूनिट चला है। तो यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ भी पूछने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है और आपका दिन शुभ हो।